गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब एक और नया फॉर्म जो है वो इनेबल कर दिया गया है, DRC 01 कैपिटल बी के नाम से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्विसेज टैब में रिटर्न टैब के अंदर रिटर्न कंप्लायंसेस करके एक नया फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है एज पर जीएसटी पोर्टल। इसका नाम और इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों दिया गया है, इन सारी चीजों के बारे में आज इस सेशन में आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बेहद जरूरी है ये DRC 01B, नहीं तो आपकी GSTR 1 और आपकी रिकवरी जो है वो स्टार्ट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड या फिर स्टेटस के हिसाब से ये DRC 01B जो पोर्टल ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा वो नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है रिटर्न पीरियड, और अगर DRC 01B में जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो यहाँ पर आपको डेटा नजर आएगा। तो अब मुद्दा ये है कि इस DRC 01B का है क्या मतलब और क्या बातें इसके अंदर गवर्नमेंट ने बता रखी हैं, ये सारी चीजें आपको रूल में कहाँ लिखी मिलेंगी, प्रोविजन में कहाँ लिखी मिलेंगी, वो अब आपको समझना है। तो इसके लिए आपको हमारा रूल कैपिटल 88C जो है वो देखना पड़ेगा, जहां पर लाइबिलिटी मिसमैच की बात करी गई है। इस रूल के अंदर जो बात बताई गई है उसको ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्म आपको पोर्टल पे नजर क्यों आ रहा है, लेट सपोज आपने किसी एक महीने की GSTR 1 में 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी जो है वो डिक्लेयर करी है, और उसी महीने की आपने GSTR 3B में जो लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है वो है 2 लाख रुपए की। तो यहां पर जो लाइबिलिटी के अंदर मिसमैच है वो 8 लाख रुपए का आपको यहां पर दिखाया जा रहा है आपके पोर्टल के अंदर। तो इस लाइबिलिटी मिसमैच का जो डेटा है वो आपको DRC 01B में दिखाया जाएगा, और आपको DRC 01B में 2 पार्ट दिए जाएंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा, इस पार्ट में आपको ये 8 लाख रुपए का मिसमैच जो है वो इंटीमेट कर देगा पोर्टल, और पार्ट बी में आपको इस 8 लाख रुपए का क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। अब क्लैरिफिकेशन में क्या बातें हो सकती है, क्लैरिफिकेशन में हो सकता है कि GSTR 1 में जो आपने 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है जिस महीने, उसमें कोई प्रायर पीरियड आइटम्स हो, कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई इनवॉइस है जो आपसे मिस हो गया था, वो इस 10 लाख रुपए में है। तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन अलोंग विथ रिकंसिलिएशन जो है DRC 01B के पार्ट बी में सबमिट करना है, रिकंसाइलिंग द फिगर्स। और ये करना क्या मैंडेटरी है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 7 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा, जिस दिन DRC 01B में डेटा अपडेट हो जाए उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको DRC 01B का जो रिप्लाई है वो करना होता है। अगर आप 7 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी उस महीने की जो GSTR 1 है उसे पोर्टल ब्लॉक कर देगा, आपको GSTR 1 फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, पहला कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये जो 8 लाख रुपए हैं, इस 8 लाख रुपए की रिकवरी एज पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 जो है बिना किसी नोटिस, बिना किसी ऑर्डर के डायरेक्टली सेक्शन 79 के मोड्स ऑफ रिकवरी में कर ली जाएगी। आपका बैंक अटैच हो सकता है, आपके जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स हैं वो अटैच हो सकते हैं, आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके थ्रू रिकवरी हो सकती है, आपके जो डेटर्स है वहां से रिकवरी हो सकती है। कई सारे हथियार हैं गवर्नमेंट के पास जिससे आपका ये 8 लाख रुपया जो है वो रिकवर कर लिया जाएगा अगर आप इस DRC 01B को हल्के में ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रूल 88C है, अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल GST कोर्स में एनरोल करा रखा है तो अब आपको भली भांति पता है कि रूल 88C और DRC 01B का क्या महत्व है और इसका पोर्टल पे आना आपके लिए कितना जरूरी था और इसको नॉन कंप्लायंसेस करना कितना महंगा आपके लिए साबित हो सकता है।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जहां पर आपको अगले एक साल तक के लिए जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगे विथ 1 ईयर वैलिडिटी। अभी इसमें करेंटली चल रहा है 10% का डिस्काउंट GST डे के ऑफर पे, तो आप अगर एनरोल कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस डिस्काउंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, GST प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके भी इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हम लोगों ने ऑलरेडी रूल 88C के अंदर बातें बता रखी हैं कि 7 डेज के अंदर आपको इस DRC-01B का रिप्लाई करना है, या अगर आपकी पेमेंट बनती है तो पेमेंट DRC-03 में करके जो भी आपका मामला है उसको सेटल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ सब रूल 3 कहता है, वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन जो कि दिया गया DRC-1B में, उसके लिए क्या हो जाएगा, अनपेड विद द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सब रूल 7 डेज के अंदर, तो अब यहाँ रिकवरी जो है वो हो जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79। और जब 7512 आपने हमसे पढ़ा था या आपको मैंने कई बार बता रखा है 7512, वो कहता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की रिकवरी जो है वो बिना नोटिस के होगी, और GSTR 1 और 3B की जो मिसमैच्ड लाइबिलिटी होती है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के दायरे में गवर्नमेंट ने रख रखा है। तो आपको एक बार 75 सबसेक्शन 12 का जो है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट ने अब इनेबल कर दिया है, जिससे आपके GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर आ रहे डिफरेंसेस का जो रीजन है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए एक चांस जो है वो गवर्नमेंट अब देना चाहती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 75 सब सेक्शन 12 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि सेल्फ असेस टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड अंडर 37। GSTR 1 में डिटेल्स चली गई, बट वो डिटेल्स आपके 39 की रिटर्न में नहीं है, यानी कि GSTR 3B में वो फिगर जो है वो नहीं है। तो अब आपको इसका इंपॉर्टेंस और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं कि DRC-01B जो है वो क्यों आया है और इसका क्या लेना देना है आपके डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर, और इसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है आप पे पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप से या फिर अपने PC के अंदर भी इस कोर्स का कंटेंट जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो काफी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, जिसका बेनिफिट जो है वो आप ले पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।